नाउ आ रहा है गुजरात में खड़े रखे जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ लोग नाव लड़ेंगे 14 सीट पर लड़ेंगे और 6 सीट पर लड़ेंगे उसका फैसला हमारे जनाब वो बनाएंगे आपको अभी और उसकी जल्दी के सर ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है उसको लेकर काम यहाँ से लोग सुप्रीम कोर्ट में घर में से हमने वहाँ पर आएगा वहाँ पर गरीब अब्दुल्ला ने बड़े बुजुर्ग की जगह पर गए थे अब पार्टी मेरे घर में कैसे कानून बना दीजिए आप बच जाओ तो गुजरात में आप आए हैं किस तरह से अपनी कार्यक्रम लेकिन कुछ कांग्रेस से पार्टी में आपके वहाँ पर भी चुन रहे हैं चुनाव तो लेंगे तैयारी सबसे में आएंगे ताकि बीच में जाएंगे आम आदमी पार्टी की अरे हर पार्टी की अख्तियार है सर पिछली बार हमने पीटीपी के साथ विरोध किया था इस बार पीटीपी किया आम आदमी पार्टी के साथ मैंने अभी तो मैंने कहा हर पार्टी को अख्तियार है किसके साथ अलायंस करे गठजोड़ करे ना करे भी करेंगे हमारे लिए जो अच्छा होगा उसके मुताबिक हम काम करेंगे लेकिन सर पीटीपी के साथ पिछली बार का जो गठबंधन था वो कहते हैं कि फायदा आपकी पार्टी को हुआ उसको कम हुआ उनकी राय और सच ये मैं बात को नहीं मानता सर आप क्या मानते हैं गुजरात में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप कौन पाते हो बहुत मुद्दे हैं गुजरात में बहुत से मुद्दे हैं आपका एजुकेशन का मुद्दा है रोजगार का मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है ये खुद बहुत बड़े मुद्दे हैं कि हर आम आदमी ना सिर्फ गुजरात में पूरे मुल्क में परेशान है कई पार्टी आपकी के पार्टी के बैनर से करीब 60 से ज्यादा चीजें इस्तीफा देने आए आपने ये कहा है कि ये पूछेंगे कि टीवी को जरा काम करती है गुजरात के अंदर कोई बात नहीं हमारे जब तक साथ थे तो हम लोग पॉजिटिव थे अब चले गए हैं तो ठीक नजर आ चुके होता है गर्मा का मौसम है